हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आज हम सीखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की सरसमीका को, जिसका मान क्या होता है हम बता देते हैं आपको। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आता है ये हमें देखना है, और ध्यान से देखिएगा। अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया आपने तो आप मिस कर देंगे कि ये कैसे हुआ। पहले के जैसे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कोष्टक पर घात दो है, तो दो बार हम गुणे में लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमें क्या करना है, इन कोष्टक को गुणा करना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, पहले कोष्टक का पहला पद इंटू दूसरा कोष्टक, फिर दूसरे पद को लेंगे चिन्ह के साथ माइनस बी इंटू दूसरा कोष्टक। अब यहाँ ए को ए से गुणा करने वाले हैं, तो ए इंटू ए ए स्क्वायर, और जब ए इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी, इसी तरह से माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू ए बी। अब आप में तो कई बच्चे कहेंगे कि सर इसको तो हमें क्या लिखना था, बी ए लिखना था, लेकिन ए बी सी डी में पहले ए आता है इसलिए हमने ए लिखा और फिर बी लिखा। माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें हम कि ये तो हमारा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अब ये माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी, ये माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों सहजातीय पद हैं, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल उस तरह से आ गया जिस तरह से हमने ऊपर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर्वसमीकरण जो है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो तीसरी सर्वसमीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसको कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ऑन कर देना, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप चारों ही सर्वसमीकरणों को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।